दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के ऐसे दो किस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने माधुरी दीक्षित को पूरे बॉलीवुड में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दोस्तों, बात यह है कि माधुरी दीक्षित एक फिल्म के दौरान जब वे विनोद खन्ना के साथ शूटिंग कर रही थी, तभी उन्हें एक ऐसा सीन करना पड़ा था जिसके बाद वे एकदम से डर गई थी और कुछ समय तक चुपचाप ही बैठी रही। दरअसल माधुरी का शुरू से ही बहुत अच्छा स्वभाव रहा है और वे बहुत मेहनत करने वाली एक्ट्रेस भी रही है। ऐसे में उन्हें फिल्म में कोई भी सीन दिया जाए तो वे उसे करने से पीछे नहीं हटती, क्योंकि वे उसे मात्र एक्टिंग के रूप में ले लेती है। ऐसे में फिल्म के डायरेक्टर फिरोज खान ने माधुरी को विनोद खन्ना के साथ एक किसिंग सीन करने को कहा और ये सीन 2 मिनट से ज़्यादा लंबा है। इस सीन में माधुरी को विनोद खन्ना के साथ चुंबन करना था और वे इस सीन को करने से पहले से ही कुछ डरी हुई थी। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो उसके कई रिटेक लिए गए, जिसकी वजह से माधुरी को अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि सीन के शूटिंग के दौरान ही उन्हें विनोद खन्ना की नीयत में कुछ खराबी नज़र आई और वे इस शूट को एक बार में ही करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें वे सीन बार बार करना पड़ा, जिसके बाद वे काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। माधुरी का कहना था, विनोद खन्ना उस वक्त शूटिंग का नाजायज फ़ायदा उठा रहे थे और उन्हीं के कहने पर डायरेक्टर ने ये सीन फिल्म में रखा और बार बार रिटेक करवाया। खबरों की माने तो शूटिंग के बाद जब विनोद खन्ना माधुरी के पास बात करने के लिए गए तो उन्होंने विनोद खन्ना को डांटते हुए उनसे दूर रहने के लिए कह दिया था। गौरतलब है कि इसी सीन के कारण विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित के बीच खटास पैदा हो गई और उन्होंने दोबारा विनोद खन्ना के साथ कोई फिल्म नहीं की। दोस्तों, ये जानकारी थी फिल्म दयावान की। अब चलिए बात करते हैं फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के बारे में। दोस्तों, हिंदी सिनेमा को 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। सिनेमा के इतिहास में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जिन्हें जानकर हैरानी होती है। इन्हीं में से एक किस्सा है माधुरी दीक्षित का, जब वे एक रेप सीन से डर गई थी और उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। माधुरी दीक्षित 1979 में फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में नज़र आई थी। ये फिल्म सुपरहिट रही थी। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था और इस फिल्म के एक रेप सीन के दौरान वो पूरी तरह से सहम गई थी। फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा में लीड रोल में माधुरी के अलावा मिथुन चक्रवर्ती, विनोद मेहरा और रंजीत थे। अब विलेन के रूप में रंजीत होंगे तो आप समझ ही गए होंगे माधुरी का डरना जायज़ था। माधुरी को जब डायरेक्टर ने इस सीन के बारे में बताया तो वे सहम गई। हालांकि कहानी के मुताबिक रेप सीन की ज़रूरत थी और इसके लिए माधुरी तैयार भी थी। वैसे रंजीत की छवि एक खूंखार विलेन की थी और माधुरी समझ नहीं पा रही थी कि कैसे होगा ये सीन। जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो माधुरी डरी हुई थी और उन्होंने विलेन रंजीत को ये कहकर अलग कर दिया कि मुझे हाथ मत लगाना। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रंजीत ने उस सीन में माधुरी के साथ ज़बरदस्ती की थी और वो तय किए गए स्क्रिप्ट के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर गए थे। रंजीत ज़्यादा हावी हो गए थे और अपना आपा खो बैठे थे, जिसकी वजह से माधुरी को ताकत के साथ उन्हें खुद से अलग करना पड़ा। और ऐसा दावा किया जाता है कि इसी दौरान माधुरी ने रंजीत के हाथ पर काट भी लिया था, तब जाकर रंजीत दूर हटे। 80 के दशक की ये घटनाएं आज भी माधुरी को डराती है। उस दौर में माधुरी ने इंडस्ट्री में सही से अपना जगह भी नहीं बनाई थी। ये थी माधुरी की फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा के कुछ किस्से। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा देखते ही नहीं। प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो दोस्त लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप लोग देख पाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बने रहें।